नमस्ते, यादव किचन में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। काफी दिन हो गए हैं मुझे कोई वीडियो अपलोड किए हुए, उसके पीछे भी कोई रीजन थे। तो मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसी वजह से मैं डाल नहीं पाई काफी टाइम से वीडियो। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ उत्तपम की रेसिपी शेयर की जाए, और उसके लिए मैंने तैयारी की है। ये हमारा बैटर है, ये देखिए, ये हमने दाल चावल वाला बैटर लिया है, इससे हम उत्तपम बनाएंगे। उसके अलावा ये टमाटर लिए हैं जिनको बारीक काट लिया है। जो जो चीज़ आप डालना चाहते हैं वो इसमें डाल सकते हो। ये कैप्सिकम जिनको बारीक काटा हुआ है, प्याज, मैं इन तीन चीज़ों का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो इसमें गाजर ऐड कर सकते हो, आप चाहें तो इसमें कॉर्न भी डाल सकते हो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। तो आइए फ्रेंड्स, इसको हम बना लेते हैं। दाल चावल को भिगो कर उसका बैटर बना लिया है, जो डोसा उत्तपम का होता है ना बैटर, वही है ये। इसको आप रेडीमेड बाजार से भी ले सकते हो, फ्रेश भी मिलता है ये और पैकेट में भी मिलता है। और ये देखिए कितना गाढ़ा है, ये इतना गाढ़ा ही रखेंगे हम। इसमें मैं नमक डाल देती हूँ और इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से। ये फर्मेंट हो चुका है फ्रेंड्स अच्छे तरीके से। अगर आप फ्रेश लेके आते हो ना तो इसको किचन में रख दीजिए, अपनी ही एक हीट होती है तो उससे भी ये फर्मेंट हो जाएगा। तो गर्म जगह पर रख दीजिए, इसको ज्यादा नहीं मिक्स करेंगे। अब इससे हम अपना उत्तपम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये तवा रख दिया है गैस पर, डोसा तवा है ये, इसपे बना सकते हो। अगर ये नहीं है, लोहे का तवा है, तो उस पे भी बना सकते हो। कि आपको नॉनस्टिक पैन ही चाहिए, आप लोहे के तवे पे भी उत्तपम बना सकते हो। बस नॉनस्टिक में ये होता है कि ये थोड़ा इजी हो जाता है, चिपकता नहीं है। तो ये लीजिए, तवा गर्म हो गया है। अब इस पे हम ये बैटर डाल देते हैं, लेडल भर कर पूरा और ऐसे छोड़ देंगे हम। और इसको हमने पतला नहीं करना है, हल्का सा इसको फैला देंगे, हल्का सा बिल्कुल। ये लीजिए, इसको ऐसे कैसे डाल देंगे और ये 2 मिनट छोड़ देते हैं इसको। फिर इसके ऊपर हम सब्जियां डालेंगे। देखिए बबल्स आने लगे हैं। अगर आपको उत्तपम किसी भी चीज का अलग से बनाना है तो आप उसको सिंगल सिंगल चीज में बना सकते हो। जैसे अनियन बनाना है, प्याज वाला उत्तपम बनाना है, तो आप इस पे सिर्फ प्याज डाल दीजिए, प्याज हरी मिर्च ये डाल सकते बना सकते हैं। टमाटर के बनाना है तो गार्लिक टमाटर से बना सकते हो। मेरे को मिक्स वेज चाहिए थी इसलिए मैंने ये सारी चीजें डाल दी हैं। आप सिंगल सिंगल वेजिटेबल्स का भी, एक एक सब्जी से भी आप बना सकते हो। ऐसे करके इसको ना सब सब्जियों को दबा देंगे ताकि वो इसमें बैटर से चिपक जाए, जो निकले ना, जब हम इसको पलटे ना तो ये निकले ना। ऐसे करके हल्का सा दबा दीजिए, ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, साइड से भी डाल देंगे, वैसे हल्का सा ऊपर से डाल देंगे ताकि हम पलटे तो अच्छी तरीके से सिक जाए। ये देखिए, तो देख लेते हैं, जब ये साइड से लगेगा ना ब्राउन होने, थोड़े थोड़े सा ऐसे महसूस होगा, तब समझ लीजिए वो नीचे से सिक गए, अच्छा पक गए, आप इसको पलट सकते हो। बस चेक कर लेते हैं और उसको पलट देते हैं। तो इसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि ऊपर से बैटर जो बीच बीच में से वो सिक जाएगा और सब्जियां भी थोड़ी सी सिक जाएंगी, सब्जियों का कच्चापन हल्का सा निकल जाएगा। नॉन स्टिक का यही फायदा है कि इसमें आपको ज्यादा ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही चिपकेगा
मुझे थोड़ा क्रिस्प चाहिए इसलिए मैं इसको अच्छे तरीके से दबा दबा के सेक रही हूँ ताकि बैटर भी पक जाए, कच्चा रह जाता है ना बीच बीच में से। फिर वो मेरी अपनी पर्सनल राय है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छा सा सेकूंगी दोनों साइड से। इसको पलट देते हैं। ये देखिए सब्जियां सिक गई हैं अच्छी तरीके से, सब्जियों का कच्चापन भी निकल गया। अब हमारा उत्पम तैयार है, इसको निकाल लेते हैं। आप अपना देसी पिज्जा भी बोल सकते हो, हेल्दी भी है और बनाने में भी इजी है, तो इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा उत्तपम बिल्कुल तैयार है और सब्जियां भी हमारी बिल्कुल सेक चुकी हैं अच्छी तरीके से। ऐसे ही करके हम बाकी भी सेक लेते हैं। अब इसमें हमें ऑयल लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैटर लेना है, बैटर को मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से ना एक बार। बस अब इसको इसमें डाल देते हैं। और जितना बड़ा आपको उत्पम बनाना है उतना आप फैला सकते हो। छोटे बच्चे होते हैं तो ये होता है कि छोटे छोटे बनाए बच्चों के हिसाब से, उन्हें अच्छे लगते हैं, तो ऐसे आप किसी भी साइज का बना सकते हो। ये मैं सिर्फ अनियन का बना देती हूँ, सिर्फ अनियन का बना लेते हैं, या उत्पम भी आता है, आप जो खाना चाहते हो वैसे इसमें स्टफिंग आपकी डाल सकते हैं। अब इस हल्का सा ऑयल डाल देते हैं बिल्कुल, ताकि जब ऊपर से हम सेकें तो ये आराम से सिक जाए। हमने प्याज डाली है ऊपर से, इसको थोड़ा प्रेस कर देते हैं बिल्कुल हल्के आंच से, ज्यादा नहीं दबाना है। ये देखिए इसको हमने पलट दिया है ऐसे करके इसको। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा अनियन उत्पम भी तैयार है। ये देखिए इतना अच्छा सिका हुआ है, इसको भी हटा लेते हैं। फ्री फिलिंग आपको चाहिए, जो भी इसमें स्टफिंग डालनी है वो डालकर आप बना सकते हो। तो मैं बाकी बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे उत्पम बिल्कुल तैयार है। और ये देखिए ये अनियन उत्पम बनाया है, और ये मिक्स वेज, और उसके साथ ही टमाटो चटनी है और ये कोकोनट चटनी है। तो ऐसे करके आप घर में भी आसानी से बना सकते हैं दोनों चीज। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें यादव किचन को। थैंक यू।